हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुणाल सोलंकी व्लॉग्स। तो भाई आज हो गया मैं बहुत ज्यादा लेट। आज है भाई संडे और टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहे हैं 2 ढाई बज रहे हैं। मैं उठ गया था 1 बजे, मगर ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करा मैंने, तो मैं दोबारा बिग बॉस देख रहा था। तो भाई अलविश यादव की लड़ाई देख रहा था, आपने देख ली स्टार्टिंग में इन दोनों की, भाई अविनाश और अलविश यादव की ऐसी बहस हो रही है, मगर जितना तो अलविश यादव ही है क्योंकि भाई उसको बोलने का ढंग है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको पता है क्योंकि यूट्यूबर हो गया सारी चीज़ों, तो उनको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो बहुत मैं तो ये चाहूंगा भाई अलविश यादव जीतना चाहिए, मतलब देखने में अब मजा आने लगा, वरना मैं पहले बिग बॉस नहीं देखता था बिल्कुल भी। जब से मैंने देखा कि अलविश यादव आया उसमें बिग बॉस में, तब से मैंने स्टार्ट करा है बिग बॉस देखना, वरना उससे पहले मैं आज तक बिग बॉस देखा नहीं था। बाई चांस कभी कोई देख रहा है तो देख लिया, वरना कभी नहीं। अब मैंने कल पूरा देखा, इतनी देर का 2 घंटे का था कल, कल भी देखा और अभी भी देख ही रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसा है कि रिपीट करके देख रहा हूँ बार बार, इतना बढ़िया लग रहा है देखने में, हंसी छूट रही है बार बार। तो भाई बस अब देखते हैं क्या प्लान होगा बाकी, मगर जो मेरी वोट है वो सही में अलविश यादव की तरफ ही है भाई, क्योंकि हर बार मैं वोट करूंगा। अगर वोट अभी हो नहीं रही वैसे, जब भी होगी मैं अलविश यादव को वोट करूंगा, क्योंकि बहुत मतलब देखने में अलग ही लेवल लग रहा है बिग बॉस। तो बस भाई गाड़ी हो रही है गंदी और निकलते हैं एक बार, अभी जाने भाई एक बार संटी ब्रो के पास और वहीं पे हर्ष है। गाड़ी कल ही वॉश हो पाएगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है मुझे, पर गाड़ी थोड़ा स्टार्ट रखते हैं क्योंकि गाड़ी होगी ठंडी बिल्कुल चिल्ड। फूल देख लो कल के कैसे रखे हैं, मुरझा गए भाई ये बिल्कुल ही। तो भाई सबको जय बोलेगी भाई, अभी निकलते हुए बस और निकलते हैं यहाँ से गाड़ी फटाफट सार्थक को। भाई मेरे को अपनी ये तो सार्थक की कार भाई सार्थक को वापस देनी है आज मुझे, क्योंकि कई दिन से मैंने कार सार्थक की मेरे पास ही है, तो फटाफट से आज देखता हूँ मेरी कार अगर खड़ी भाई तो आज मैं अपनी कार निकालनी है मुझे, कई दिन हो गए हैं मेरी गाड़ी को खड़े हुए, तो आज फाइनली अपनी कार में बैठेंगे और फनी कर देंगे अपनी कार में बैठ के। आज देखते हैं तो अभी चल के बस। भाई मौसम की अगर मैं आपको बैठ दे दूँ मौसम का, तो मौसम आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऊपर से पीड़ा में, लो भाई मौसम आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऊपर से सनरूफ में से, मौसम हो रहा है बढ़िया बिल्कुल जेन्युइन, ना धूप है ना गर्मी है बिल्कुल ही, ना बारिश है ना कुछ। घर से निकलते सबसे पहला काम है भाई जाम, जाम को पार करके जब आप कहीं जा सकते हो, और घर से 10 मिनट दूर पहुंचना है बस। और ये देख लो 10-15 मिनट का रास्ता था, मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया चलते 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 ही, देख लो। वाह भाई रेंज दिखा रही थी कार 850 कुछ 850 कुछ, कहाँ पे आ गई 700 कुछ पे आ गई है। जाम इतना है भाई देखो ना, गंदा जाम, जहाँ जाम नहीं लगने का वहाँ जाम लगा हुआ है। पहुँचते हैं, बस पहुँचने वाला हूँ तो 3-4 मिनट में, अगर खाली होता तो 1 मिनट लगनी थी बस, अभी भी 5-7 मिनट तो लगनी लगेंगी भाई। भाई मैं फॉर्चुनर के अंदर एक बार मोड़ थोड़ी गड़बड़ी और दोनों गाड़ी अपनी खड़ी हैं भाई आगे, अभी निकलेंगे यहाँ से देखेंगे एक बार, घर चलते हैं पहले फिर क्योंकि, और फिर निकलेंगे भाई घर से और गाड़ी को अंदर कर दूँ। बस भाई गाड़ी कर दी है भाई अंदर, और भाई अभी पहले घर चलते हैं सार्थक की गाड़ी में ही, उसने गाड़ी में चला दी अभी गाड़ी को भाई, अभी तक मेरे ख्याल से सीट लगनी भाई है, तो कल भाई शायद से मैं सीट भी लगा के लाऊंगा। अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, गाड़ी खड़ी कर दी हमने और कल मैट वैट का भी काम है गाड़ी का, छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे, वो उतरने का रास्ता ही है यार, दूसरी साइड से उतरना पड़ेगा यार। चलो भाई घर चलते हैं पहले, तू व्लॉग बना रहा है गाइस गाइस ये बोलियो वो मैं ट्राई कर रहा था ब्लॉग कैसे बनाते हैं यार, बोल के दिखा दे कैमरे में। हरिद्वार से आया और गरम मनाली से आया, इसको देख लो भाई, ये भाई कावड़ लेके आया है गंगोत्री से आ चुका है, सही मैं ब्लॉग बनानी चाहिए तेरा मजाक नहीं। चलो भाई चलते हैं घर पहले। हाँ भाई हैं बैठने कर छोड़ दूँ चल। तो भाई मैं आ गया भाई फिलहाल घर अभी, और देखते हैं क्योंकि उसका फ़ोन आ रहा था भाई सार्थक का भी, मैं कहा भाई अभी देखता हूँ, मन होगा तो चलेंगे बार, वरना नहीं चलेंगे, देखते हैं बाकी
तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं घर, और भाई बस कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, सोच रहा हूँ मैं अगर जाना है तो फिर नहीं करूँगा, फिर तो यही उड़ के रहूँगा, तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो बस भाई निकल गया हूँ घर से, चलते हैं देखते कौन मिल रहा है। मैं बैठा हूँ नीचे, एक बार गाड़ी गाड़ी लगाई है और सही है रहा, और वो आ ही गया, उसका ऑन आ गया। बिग बॉस देखना था भाई आज, अब आगे लाइव में देखता तू, लाइव भी देखो बिल्ली छेड़ दी भाई साहब, भाई एक नंबर आके देखूंगा मैं, वरना ले आया। तो बस भाई हम आ गए खाने यार, भाई मैं और अनिकेत बैठे हैं गाड़ी में, शांति और अर्ज गए बाहर कुछ काम से, मतलब कुछ खाते पीते घूम रहे इधर, कह रहे कुछ यूं गया, अच्छा वॉशरूम गए वो। तो भाई आसपास तो खा पी लिया हमने, और आप घर बार हो गए कि जगह आते हैं हम, भाई ये खाना ही बढ़िया इनका, आसपास दूर दूर तक सही में इनका बढ़िया, और किसी का नहीं है अभी ऑप्शन, नहीं है ना हमारे पास, हाँ सामान चल रहे हैं इसलिए, और ना उसके बाद तो ऑप्शन बहुत सारे हो जाएंगे खाने के, नॉन वेज हो गया, सारी चीज हो जाएंगी, फिर नई नई वैरायटी चेक करेंगे, सारी अलग अलग दिखाएंगे अलग अलग जगह जाके, और अभी फिलहाल यही आना पड़ता है पास में रजौरी, बताएंगे आपको कहाँ का अच्छा खाना है और कहाँ का वर्थ इट है, हर जगह हम गाइड कर देंगे हम, हाँ एक एक जगह चेक करके और आपको बता देंगे कहाँ जाओ, क्या खा का स्पेशल है, कि ये खाना तो वहाँ जाओ, ये खाना तो वहाँ जाओ। ठीक है चलो भाई चलते हैं घर, कितना है भाइयों का अलग हो रहा था मतलब में रहना कितना भाई इंस्टाग्राम चलाने लग रहा रील गिर पर भाई फोन ना उठावे, चलो भाई घर चलते हैं सीधा है ना भाई, थोड़ा नींद आ रही है, नींद आ रही है भाई को, तो भाई मैं आ गया हूँ घर, और भाई दोबारा से मैं देख रहा हूँ बिग बॉस, और भाई मैं सही में बताऊँ तो मैं सही में एलविश को से देख रहा हूँ, वरना मैं देखता नहीं बिल्कुल भी, मतलब अलग ही कुछ लग रहा है इस बार कि हाँ भाई बिग बॉस है, वरना कुछ लग ही नहीं रहा था बिग बॉस में, इतने साल हो गए इस शो को आते हुए, मैंने अब देखना चालू करा इसे, मगर हैंग हो के चलता है यार ये, यार बिल्कुल सिंपल रहता है यार ये, देखो ना इसको बिल्कुल सिंपल, और भाई जो ये था ये फुकरा इंसान ही है भाई, जिम में ही आता था, मैं जाम जिम जाता हूँ, मुझे तो बाद में पता चला है, मैंने किसी की वीडियो देखी है तब मुझे पता चला है ये फुकरा इंसान था जो मेरे जिम में ही आता था ये, मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं यार। बाद में अपनी टेबल पर बैठा हूँ, और जहाँ मैं ब्लॉग स्टार्ट करता था कई बार एंड करता था, तो बस तो बिग बॉस भाई अब तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मैंने देख लिया लाइव भी आधे घंटे से ज़्यादा देख लिया यार, आधे 45 मिनट्स हो गए कम से कम, तो अब टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा, मगर भाई मैं सही बताऊँ ना मैं सही में इसलिए देख रहा था बिग बॉस को, मगर आपको भी देखना चाहिए कितना रियल दिखा रखा है इस बार यार इसने, मतलब ये और तो सब ऐसे ही हैं मगर ये बहुत रियल खेल रहा है कि जो है वही है बस। तो बस भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और कल मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ, और बस सबको गुड नाइट, बाय बाय।